डिवाइडेड इंडिया का लाहौर, म्यूजिक लिटरेचर और कल्चर का शहर। एक बार का किस्सा है, इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट सिंगर्स में से एक श्री केएल सहगल का प्रोग्राम लाहौर में होने वाला था। भारी भीड़ जमा थी, लोग पागल हुए जा रहे थे सहगल साहब की एक झलक देखने के लिए। और क्यों ना होते, वो सिंगर ही नहीं बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे। अचानक लाइट चली गई, माइक बंद हो गया। ऑर्गेनाइजर्स ने सहगल साहब को होटल में ही रुकने के लिए कहा, जब लाइट आएगी माइक चलेगा तब आपको बुलाएंगे। लाइट एक बार गई तो आने का नाम ही नहीं लिया। बहुत देर हो गई, लोग बेचैन होने लगे, शोर शराबा शुरू हो गया। ऐसी नौबत आ गई कि लगा अब लोग टेंट उखाड़ देंगे और कुर्सियां फाड़ देंगे। ऑर्गेनाइजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भीड़ को काबू में कैसे करें। तभी किसी ने भीड़ में बैठे हुए एक 13 साल के बच्चे की ओर इशारा किया, बोला जब तक लाइट नहीं आती इसे स्टेज पर खड़ा कर देते, शायद लोगों का दिल बहल जाए, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और चारा भी क्या था, उस बच्चे को गाने के लिए स्टेज पर खड़ा कर दिया गया, एक ऐसे स्टेज पर जहां माइक नहीं था। वो बच्चा बहुत देर तक बिना माइक के गाता रहा। सुनने वालों पर ऐसा जादू हुआ कि वो भूल ही गए कि वो केएल सहगल को सुनने आए थे। पहली बार स्टेज पर बिना माइक के गाने वाला वो बच्चा अगले 40 सालों तक हिंदुस्तान में माइक के पीछे की सबसे शानदार और सबसे सुरीली आवाज बना रहा, मोहम्मद रफी साहब। गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत थी, वो बोलता था तो एक रोशनी सी होती थी। रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए, 369 सॉन्ग्स 369। LP का पहला गाना रफी साहब ने गाया और रफी साहब का आखिरी गाना LP ने कंपोज किया, ऐसा था उनका साथ। इस जोड़ी का एक यादगार गीत सुनिए, सुन के आंखों में आंसू भराएंगे, क्योंकि ये गीत कभी मोहम्मद रफी ने गाया था, आज मोहम्मद दानिश गाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। चाहूंगा मैं तुझे, क्या बोले, सांझ सवेरे फिर भी कभी तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। फिर भी कभी अब ना
हस्ती हो तो मस्ताना कमल लगती हो, मीर का शेर हो, गालिब की गजल लगती हो है। वाह वाह वाह, उफ। संगे मई मई सदराशा हुआ, पूरे नूर बदन सांस लेता हुआ, एक ताज महल लगती हो। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शोखिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शोखिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। क्या बात है दोस्त, वाह वाह। ये शोखियाँ ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। वाह। एक बात का देख रहा था कि जिस ईज के साथ जिस आसानी के साथ आप वो लंबे लंबे सुरों से खेलते हैं ना, जब आपकी मुर्कियाँ होती हैं वहाँ तो हैरत होती है, ताज्जुब होता है। जब आपकी उम्र सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार ऐसी हरकतें करने के लिए, ऐसी मुर्कियाँ लेने के लिए, इतना पक्का गाने के लिए तो कम से कम 30-35 साल गाना पड़ता है, सिर्फ गाना पड़ता है, फिर जाके आदमी शायद ऐसी चीजें अटेम्प्ट करे। आप कैसे यार एकदम खड़े खड़े आसानी से, बहुत बहुत कमाल यार दानिश। थैंक यू सर, थैंक यू। दानिश जी सर, आज अगर इस मंच पर रफी साहब होते और यहाँ बगल में बैठे मन्ना दा होते, वो खड़े होकर तुम्हारी ताली बजाते हैं। और मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारी ताली बजाना चाहता हूँ। तुझ पे कुर्बान जान मेरी जान। मौसम बदल डाला, मौसम बदल डाला। अनु जी, मनोज जी, फिलहाल जो है दानिश का रोजा चल रहा है। मुझे रोजा पता चला। रखा हुआ है सर, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब रोजा रखा जाता है तो कुछ खाते तो है ही नहीं, कुछ पीते भी नहीं है,
और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ ऑब्वियसली कि आप ऐसा कैसे करते हैं, बट हैट्स ऑफ टू यू दानिश, जेन्युइनली एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दानिश, मुझे सचमुच ये जानना है कि पूरा पूरा दिन जब आपके मुंह में अन्न का एक दाना नहीं जाता, पानी का एक कतरा नहीं जाता, और फिर भी आप जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ये ताकत कहां से आती है? सर, एक्चुअली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके बाद मुझे ऐसा मौका शायद मिले या ना मिले, तो मैं इस चीज़ को कभी खोना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर प्राउड कराने के लिए आया हूँ। एंड जब मैं रोज़ा रखता हूँ अल्लाह के लिए, तो वो अल्लाह ताकत देता है सर। हॉलीवुड बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर दुनिया की किसी भी और इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन इंडिया से मुकाबले की बारी आती है तो यही हॉलीवुड बहुत छोटा पड़ जाता है। वो साल में तकरीबन 800 फिल्में बनाते हैं, हम 2000 से भी ज्यादा, 1000 से ज्यादा फिल्में तो अकेले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनाती। तो अक्सर रेस में बने रहने के लिए हॉलीवुड हमारी तरफ एक जुमला उछाल देता है, इंडिया में म्यूजिकल्स नहीं बनती जैसे हम बनाते हैं, साउंड ऑफ म्यूजिक, मुलान रूज, शिकागो, सिंगिंग इन द रेन वगैरह वगैरह। देखिए, मुझे ज्यादा नंबर्स तो नहीं गिनवाने, लेकिन अकेले राज कपूर की फिल्में उठा ली जाएं तो हॉलीवुड या दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिकल रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो जाएंगे। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मुझे याद आती है तीसरी कसम, उसका ब्लॉकबस्टर साउंडट्रैक दुनिया बनाने वाले, और एक गीत जिसमें मन्ना दा की आवाज सुन के लगता है अगर गांव की मिट्टी गा सकती तो उसकी आवाज मन्ना दा जैसी होती। आज ये गीत राजस्थान की मिट्टी गाएगी और आपको याद आएंगे चुपचाप से, सीधे साधे से, भोले भाले से मन्ना दा, जिनकी टक्कर का सिंगर हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वाह 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 वाह। रंग रंगीलो रस भरो प्यारो राज सितो। क्या बात है, मुसाफिर बोलियो रे पिछड़े राजी मुनिया, चल मुसाफिर बोलियो रे पिछड़े राजी मुनिया, चलते मुसाफिर बोलियो रे पिछड़े।
सब रस पीड़ा के सब रस पीड़ा के सब रस हो पीड़ा के सब रस ले लिया रे बच्चा था तकरीबन 7 या 8 बरस का, आभास नाम था उसका। आभास मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ और भाइयों के साथ रहता था। उसे गाने का बड़ा शौक था, लेकिन ट्रेजडी देखिए, उसकी आवाज बहुत ज्यादा खराब थी, एकदम भर्राई हुई गला, एकदम बैठा हुआ। पर वो ऐसा जिद्दी कि बैठे हुए गले के बावजूद हारमोनियम लेके बैठा रहता और गा गा कर घर वालों को परेशान करता रहता। एक दिन हुआ ये कि वो खेलता खेलता माँ की रसोई में घुस गया। माँ खाना बना रही थी और सब्जी काटने वाली दराती वही जमीन पर पड़ी हुई थी। अचानक बच्चे का पैर दराती पर पड़ गया और दराती बहुत गहरे तक पैर में धंस गई। बुरी तरह खून बहने लगा, एक उंगली लगभग पूरी तरह कट के पैर से अलग हो गई। आनन फानन में डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने किसी तरह उंगली तो जोड़ दी, लेकिन उसका दर्द कम नहीं कर पाए, क्योंकि उन दिनों पेन किलर्स नहीं हुआ करते थे, ये बहुत पहले की बात है। बच्चा अगले 15 दिनों तक दिन रात दर्द से कराहता रहा, रोता रहा, इतना रोया कि उसके वोकल कॉर्ड्स खुल गए और उसकी आवाज ऐसे निखर गई जैसे बादल छटने पर धूप खिलाती है। वो बच्चा आभास कुमार गांगुली देश का सबसे बड़ा सिंगर बना। आप नहीं जानते आभास को, किशोर कुमार को जानते हैं ना, बस उन्हीं की बात हो रही है। ऊपर वाला बड़ा खिलाड़ी है, कोई नहीं जानता वो किस पेड़ पे कौन सा फल दे। मुश्किलों से हंस के मिलना, क्या पता कौन सी मुश्किल मुकद्दर बदल दे। वाह 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 वाह। सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, सुबह
रात जाती है सुबह आती है, रात जाती है यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात, क्या बात। हो जीना 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 रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है, लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, मैं तेरी चुनरी। वाह 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 वाह, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मैं, एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ मैं, पवन माई रे तुझ बिन मैं तो अधूरा हूँ मां, माई रे तुझ बिन रूठी मेरी परछाई तेरा ख्याल, मैं तेरी चुनरी। जी मैम, ठीक से रहो आप लोग। अभी ठीक हो गई है तबीयत, पहले थी खराब थोड़ा, अभी ठीक है। इसकी आवाज ऐसी क्यों हुई? आवाज तबीयत खराब है क्या अभी भी? नहीं नहीं, एकदम बढ़िया है तबीयत, एकदम थोड़ा इमोशनल हो गए जी, इमोशनल हो गए, इतने दिनों आपसे बात नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको देखकर रोने लगा है तो आवाज बैठ जाती है रोते रोते। बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल स्वस्थ है और इंडियन आइडल, पूरा टीम इंडियन आइडल बहुत ख्याल कर रही है पवन का। पवन तू शेर है बेटा, शेर है तू मेरा, तो क्या बात है, बिल्कुल शेर बच्चा,
मम्मी जी और पापा जी थैंक यू सो मच. दिल पे छू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला. सूरत या हंसी हो, उम्र या जवान हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये घुमा हो. यही है, यही है, यही तो है वो. ओए रमी लड़का, हराएगा मरेगा, कमा कना कनगा, हज कब करेगा. इस दुनिया में दिल ना लगाना, दिल दे के पड़ेगा पछताना. दुनिया में दिल ना लगाना, दिल दे के पड़ेगा पछताना. ये रोक के पुजारी, ये दिल लेने वाले, पहले पहले होते हैं बड़े बोले भाले. खाले जब था पुकारेंगे नाम क्या. यही है, यही है, यही तो है वो. ओए नबी मरेगा, oh my god, ओए नबी मरेगा, oh my god, हम बगल बगल का चिका भी करेगा. शनमुखा प्रिया, मजा आ गया. एक्चुअली मैं भी आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ. जी भैया. शनमुखा प्रिया, मेरी जो फैमिली है बहुत छोटी सी फैमिली है. मेरे मम्मी पापा ने कभी भी परिवार के किसी सदस्य की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरी जिंदगी में मेरी एक बहन हो. वो चाहे बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, आपको जब मैं देखता हूं तो मुझे मुझ में अपनी बहन नजर आती है. तो मैं सोच रहा हूं कि अगर आप के पास थोड़ा सा फ्री समय हो जिंदगी में तो आप मेरी बहन बन जाओ यार. इस शो में भी नहीं, पहले से आपको जानती हूं मैं, तो वन ऑफ माय फेवरेट
भैया है, मेरे भी कोई भैया नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। अभी आप है तो मैं हमेशा भैया ही बुलाती हूँ। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट आपको घर पे भी छोटू बुलाते हैं, और आप भी जानते होंगे कि मैं अपनी बीवी को भी छोटू बुलाता हूँ। तो एक बीवी, एक छोटू बीवी और एक छोटू बहन, बस हो गई फैमिली कंप्लीट। ये भाई बहन की जोड़ी से एक गाना सुनने को तो बनता है भैया दोनों। अरे के साथ। अन्नू जी, भाई बहन की जोड़ी के साथ एक गाना सुनने को बनता है, बस कुछ बोलने का नहीं, गाना सुनने का। गाना कम ऑन कम ऑन। सपनों का साया पलकों पे आया, पलों में हंसाया, पलों में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। राज कपूर साहब म्यूजिक कंपोजर नहीं थे, लिरिसिस्ट नहीं थे, सिंगर नहीं थे, लेकिन फिल्म के म्यूजिक को जिस गहराई से वो समझते थे आज तक कोई और नहीं समझ पाया। उनके लिए गाना सिर्फ गाना नहीं, ऑडियंस की आत्मा में उतर जाने का बहाना हुआ करता था। श्री 420 का एक गाना कंपोज होना था, म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर जयकिशन ने बड़ी कोशिश की, लेकिन राज साहब को वो नहीं दे पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। राज साहब ने सोचा, शंकर जयकिशन के टैलेंट पर तो शक नहीं किया जा सकता, जरूर मुझसे ही सिचुएशन समझाने में कोई कमी रह गई होगी, शायद मैं ही सही ब्रीफ नहीं दे पाया। अपने अंदर कमियां ढूंढना और उसे एक्नॉलेज करना किसी मामूली कलाकार के बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको राज कपूर होना पड़ता है। उन्होंने फिल्म की हीरोइन नरगिस जी को फोन किया और कहा, स्टूडियो आ जाइए और आते आते एक छतरी साथ ले आइएगा। नरगिस जी थोड़ा चौंकी कि बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर छतरी क्यों? लेकिन राज साहब से कौन सवाल पूछे, वो चुपचाप छतरी लेके रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गई। राज कपूर ने वो छतरी खोली, नरगिस जी को छतरी के अंदर बुलाया और उनकी आंखों में आंखें डाल के कुछ गुनगुनाने लगे। शंकर जयकिशन कुछ देर ये पूरा माजरा देखते रहे, फिर समझ गए कि राज साहब किस तरह के इंटीमेट गाने की तलाश कर रहे हैं। गाना बन गया, 60 साल गुजर गए, लेकिन हम न वो छतरी वाला आइकॉनिक विजुअल भूल पाए हैं, न वो बारिश वाला गाना। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां, मैं न रहूंगा तुम न रहोगी फिर भी रहेंगी निशानियां। क्या बात। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे पवन, ये जो दो गाने आपने चुने हैं, देखो ये ड्यूट है। नॉर्मली इंडियन आइडल में क्या होता है कि वी एक्सपेक्ट वन विनर, लेकिन ये जोड़ी जो मिल गई है ना जी, ये राग थोड़ी है। वाह, इंडियन आइडल का मंच भी कमाल है। सिंगल विनर के बाद अब डबल विनर सामने खड़े हुए मेरे, मतलब आई एम सरप्राइज। अरुणिता, कभी कोई तो गलती किया करो, मतलब जजेस भी हैं शो में, हमारा भी नंबर आना चाहिए, हम भी बताएं कि देखिए वहाँ आपने गलत किया, आप वहाँ ठीक से नहीं ले पाई सुर, ताकि हमारा भी जो रोल है वो कुछ जस्टिफाई हो। आप गलती नहीं करती, मतलब सीधे सीधे पूरा पूरा ईज से एफर्टलेस तरीके से पूरा का पूरा गाना गा देती। और पवनदीप, आपको तो आपके पिताजी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, उत्तराखंड का शेर है मेरा बेटा, तो वाकई उनका बेटा उत्तराखंड का शेर है। कोई दो राय नहीं, शेर की तरह ही गाते हैं आप, शेर की तरह ही दहाड़ते हैं। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। परफॉर्मेंस हो तो ऐसी एकदम लिमिटलेस। क्या खा के आए हो आप लोग? मैं कुछ खा के तो नहीं आए हैं, बस ये सोच के आए हैं कि आज सबका दिल जीतना है, और आज चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत करीब आ रहा है हमारा फिनाले, तो गलती करने का कोई स्कोप है ही नहीं, तो ऐसे ही लिमिट्स को पुश किया और गा लिया। क्या बात, क्या बात। ऐसे ही कॉन्फिडेंस दिखाते रहो, एंड जस्ट लाइक स्विफ्ट, बी लिमिटलेस। एक जमाना था जब किसी औरत को ग्रेसफुल कहने की जगह ये भी कह सकते थे कि आप स्मिता पाटिल जैसी हैं। स्मिता जी यानी तहजीब, शराफत, सादगी और ग्रेस। बात उन दिनों की है जब स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म नमक हलाल के लिए एक आइटम सॉन्ग शूट किया। गाना शूट तो हो गया, लेकिन स्मिता जी की नींद उड़ गई। वो ये सोचकर चैन से सो नहीं पाई कि उनकी ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा। कहां मंथन में वो सर पे पल्लू रखे हुए स्मिता पाटिल, और कहां ये ट्रांसपेरेंट साड़ी में खुली सड़क पे नाचती हुई स्मिता, कहां वो दो दो बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस, और कहां ये आइटम सॉन्ग पे डांस करने वाली हीरोइन। यही सब वो सोचती रही और पूरी रात रोती रही। सुबह जब वो वापस फिल्म के सेट पर आई तो अमिताभ बच्चन उनकी लाल लाल आंखें देखते ही पूरा किस्सा समझ गए। उन्होंने स्मिता जी से कहा, मूर्ति मंदिर में रखी हो या घर में या सड़क के किनारे, उसकी इज्जत कम नहीं होती, लोग हर हाल में उसे सर झुकाते हैं। आप ट्रांसपेरेंट साड़ी में नाचते हुए भी उतनी ही ग्रेसफुल लगेंगी जितना सर पे पल्लू रखे हुए। यही हुआ, नमक हलाल का वो नमकीन गाना सुपर हिट रहा। लोगों ने स्मिता के नए स्वैग को भी सर आंखों से लगा लिया, और इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया
आशा जी की गायकी को, जिसमें लटके झटके भी भरपूर थे और तहजीब भी। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो, हमें जो उठाइयो तो खुद ही रपट जाइयो, हाँ खुद ही फिसल जाइयो। आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। क्या बात है, क्या बात है। से छम छम शरा पर से सावनी घंटा से शबा पर से, बादल से छम छम शरा पर से सावनी घंटा से शबा पर से, बूंदों की गजी पायल घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचले जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, आहा ओहो, आहा ओहो, आहा ओहो, ओहो। मैं यहाँ से वहाँ
वाह वाह वाह, क्या बात है साइली, क्या बात है आशीष। यार आप लोग जब भी साथ में इंडियन आइडल के स्टेज पे डुएट्स गाते हैं, कमाल ही कर देते हैं। तुम दोनों, यू टुक मी बैक टू माय कॉलेज डेज। जब हम लोग 16-16 साल के थे, ये गाने हम लोग गाया करते थे। साइली, तुम कौन हो यार? यू आर मैड मैन, यू आर मैड। टू मी दिस वॉज अ मैजिकल ड्यूट परफॉर्मेंस, जिसे कहते हैं ड्यूट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं एक बात कहूंगा कि मैं तो गाना सुनने आया था, आपने मुझे बाकायदा भरी पूरी तड़के वाली पॉट बॉयलर मसालेदार पिक्चर दिखा दी, और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट है, इसे ब्लॉकबस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। व्हाट अ परफॉर्मेंस, सलाम आप दोनों को, और सलाम उस मातृभूमि को आपकी जिसने आपको पैदा किया है। जय महाराष्ट्र। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।